में विस्तार से बात कर लिया, अब यूपी का जिक्र कर लेना भी जरूरी है। यूपी जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है जनसंख्या के लिहाज से, लोकसभा सीटों के लिहाज से, यूपी में क्या चल रहा है देख लीजिए। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। रायबरेली में राहुल गांधी 1.5 लाख की बढ़त बनाए हुए हैं, 1.5 लाख से आगे चल रहे हैं। स्मृति ईरानी 50,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। किशोरी लाल शर्मा आगे चल रहे हैं 50,000 वोटों से। कन्नौज से अखिलेश यादव 62,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा मैनपुरी से डिम्पल यादव 80,000 वोटों से आगे चल रही है। तो ये मोटा मोटी जो बड़ी बड़ी सीटें हैं वो बता रहे हैं। संजीव बालियान पीछे चल रहे हैं मुजफ्फरनगर से, चीनी का कटोरा मुजफ्फरनगर को कहा जाता है। लखनऊ में राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं। लखनऊ की सीट भी बहुत महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लखीमपुर खीरी से बीजेपी के अजय मिश्रा पीछे चल रहे हैं। ये देखिए निरुआ 55,000 वोटों से पीछे हो गए हैं। आजमगढ़ से बीजेपी के फैजाबाद, अयोध्या से भी बीजेपी कैंडिडेट पीछे हैं। वो अयोध्या जहां पर भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है वहां पर बीजेपी पीछे चल रही है। मेनका गांधी 10,000 वोटों से पीछे चल रही है। तो ये कुल मिलाकर के बड़ी बड़ी सीटें, अनुप्रिया पटेल जो बड़े बड़े चेहरे हैं, जो बड़ी बड़ी सीटें हैं वो पीछे चल रही हैं। तो ये इधर आप देख रहे हैं सहारनपुर से कांग्रेस के इमरान मसूद आगे चल रहे हैं और ये मोटा मोटी सीटें। गोरखपुर से बीजेपी के रवि किशन आगे चल रहे हैं, जैसा कि सुबह से ही वो आगे चल रहे हैं और सुबह से ही ये ट्रेंड बरकरार है। अक्षय यादव 60,000 वोटों से फिरोजाबाद से आगे चल रहे हैं। रामगोपाल यादव के बेटे हैं अक्षय यादव जो फिरोजाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए एक बड़ा झटका आया है, 1.5 लाख वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। कुशीनगर से वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। देखिए अब यूपी की कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो ये